तीन साल पहले गायब हुए जेएनयू के छात्र नजीब अहमद को लेकर दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस के अलावा बुलंदशहर में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह, बेंगलुरु में मारी गई पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश और झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की विधवा शाइस्ता परवीन और लेखिका अरुंधति रॉय समेत तमाम हस्तियाँ शामिल हुई। एक बात इन तीन सालों में साफ हुई है, नजीब को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि नजीब को जिन्होंने पीटा था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं और सीबीआई जिस सरकार के अंदर आता है आज उसका एक ही रोल रह गया है कि विपक्ष के नेताओं को और तमाम लोग जो सरकार का विरोध करते हैं उन तमाम लोगों को डराना धमकाना रेड करना। लेकिन जब नजीब को ढूंढने की बात आई तो उन्होंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया। वो नौ एबीवीपी के गुंडे जिन्होंने नजीब को मारा था और जान से मारने की धमकी दी थी उन लोगों का कॉल रिकॉर्ड तक पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया। और जब सीबीआई से पूछा गया कि आप कॉल रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं कर रहे हैं तो सीबीआई जिसको बोलते हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो सीबीआई कोर्ट में बोलती है कि हम उन लोगों का पैटर्न लॉग नहीं खोल पा रहे। तो साफ है नजीब 2016 का साल था जब नजीब हमारे साथी में खुद 2016 में जेएनयू आई थी, एक छात्र बनके एक उम्मीद लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था और आज तक उनके बाद उनके साथ जो हुआ माही मांडवी हॉस्टल में पीटा गया, मारा गया, उसके बाद से एक तरीके से गायब किया गया और आज तक सीबीआई से लेके दिल्ली पुलिस कोई उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं या ढूंढ नहीं पा रहे इज अ रीज़न कि वो ढूंढने की कोशिश तक भी नहीं कर रहे। स्निफर डॉग्स भेजे जाते हैं कैंपस में 3 महीने बाद, उनके पैटर्न लॉक्स नहीं उनसे खुलता है, सीबीआई ऐसे ऐसे डिफरेंट रीजंस देखे रिपोर्ट को क्लोज तक भी कर देते हैं लास्ट ईयर। तो एक अम्मी कंटिन्यूसली एक संघर्ष करिए और उसी का संघर्ष का एक कॉल है आज 15 तारीख को हमने दिया है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल है, अम्मी के कॉल पे आज हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। देखिए मेन मुद्दा तो ये है कि आज 3 साल हो गए हैं नजीब को गायब हुए और उनकी अम्मी ने ये बार बार ये सवाल पूछा है कि नजीब कहाँ है हमें बताइए, और होम मिनिस्ट्री से जो जाँच हुई है वो जाँच ठीक से हुई है नहीं हुई है, इस बात को अगर हम संतुष्टि दी जाए कि ढूंढने में पूरी कोशिश की भी है या नहीं की है। उसके साथ ही साथ जो माहौल चलता आ रहा है देश के अंदर, इतनी सारी जो हेट क्राइम्स बढ़ते हैं और हमने गौरी लंकेश से देखा, फिर हमने तबरेज अंसारी की लिंचिंग के बारे में हर जगह न्यूज़ पढ़ी, फिर हमने सुबोध कुमार के बारे में भी देखा, और ये तरह तरह की जो एक डर का माहौल पैदा कर जाने की कोशिश है और जिस तरह से इतने लोगों को शिकार बनाया गया है इस कोशिश का, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश है।